ओके हेलो एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? हेलो हेलो, सॉरी थोड़ा डिले हो गया, एक काम आ गया था जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया मुझे। तो चलो हम लोग जाते हैं अब हमारे इकोनॉमिक्स पे। हाय एवरीवन, गिव मी अ हाय एंड वी'ल गो अहेड। चलो हम लोग जाते हैं अब हमारे इकोनॉमिक्स पे। हाय एवरीवन, गिव मी अ हाय एंड वी'ल गो मैं अहेड। मस्त हूँ अतुल। थैंक यू। ओके, तो हम लोग गए थे यूनियन बजट पे। यूनियन बजट सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के सामने रखता है, ठीक है। बजट इज फॉर द कमिंग ईयर, इसीलिए बजट में आपको आने वाले साल की क्या देनी पड़ेगी, इसीलिए बजट में आपको आने वाले साल के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब आने वाला जो साल है उसका रिसीट्स एंड पेमेंट्स, या इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर, या P&L अकाउंट देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है? ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी, इट कैन बी फर्स्ट ऑफ फेब और सेकेंड ऑफ फेब, ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी पार्लियामेंट के सामने बजट पेश करते हैं। बजट में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए जाते हैं जिसमें एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं। बजट एक वाइट 10 पेज का डॉक्यूमेंट होता है, ये देख लिया था, ठीक है। अब रेलवे का बजट भी मेन बजट के साथ मिक्स करके दिया जाता है, दोनों साथ में। पहले रेलवे का बजट अलग दिया जाता था, ठीक है। ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसमें रिसीट्स और पेमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स या एक्सपेंडिचर्स की हमारी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट क्या कर रही है, कहाँ से रिसीट्स मिलने वाली है, कहाँ पे पेमेंट्स होने वाले हैं। बट इसमें याद रखो, इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि रिसीट और पेमेंट तीन चीजों का दिया जाएगा। सबसे मेन तो कंसोलिडेटेड फंड, उसके बाद कंटिंजेंसी फंड, और उसके बाद पब्लिक अकाउंट। इसमें कहाँ कहाँ से रिसीट्स आने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे पेमेंट्स होने वाले हैं, इसमें कहाँ से रिसीट्स आएंगे। रिसीट इसमें तो कंसोलिडेटेड फंड से ही आता है, ठीक है। कंटिंजेंसी में कंसोलिडेटेड फंड से आता है पैसा कहाँ गया, पब्लिक अकाउंट में पब्लिक से आया हुआ पैसा और उसका एक्सपेंडिचर। कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा है, एक और इंपॉर्टेंट चीज, तो फंड को कैसे डिवाइड करके दिखाना है, ये जो कंसोलिडेटेड फंड है ये गवर्नमेंट का खुद का पैसा है, तो इसमें रिसीट साइड दिखानी है और एक्सपेंडिचर साइड दिखाना है। रिसीट साइड में ये दिखाना है रेवेन्यू रिसीट्स कितने हुए और कैपिटल रिसीट्स कितने हुए, एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने हुए, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने हुए। कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा है इस पे ये पूरा के पूरा बिलोंग्स टू गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के पैसे, ये रिसीट गवर्नमेंट को, ये एग्जाम्पल टैक्सेस, हम जो टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट का इस पे पूरा अधिकार है, गवर्नमेंट इस पैसे को यूज कर सकती है। दैट इज वाई इसे यूज करने के लिए प्रायर परमिशन ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड। पार्लियामेंट की प्रायर परमिशन के बाद इसमें से 1 रुपया भी विड्रॉ करना है तो पार्लियामेंट से पहले पूछना पड़ेगा, सर इसमें से 1 रुपया विड्रॉ करेगा, समझा। और ये कंसोलिडेटेड फंड का बजट में जो भी दिया जाएगा वो एस्टिमेटेड होगा, एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स, कि सर आने वाले साल में रेवेन्यू रिसीट मतलब टैक्स वैक्स से कितना पैसा एक्सपेक्टेड है, कैपिटल रिसीट्स मतलब सर हम आने वाले साल में कौन से शेयर्स बेच के, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी कंपनीज है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी असेट्स है,
कौन से असेट्स बेचने वाले हैं हम लोग जिससे हमें कैपिटल रिसीट होगी, ये सारा प्लान दिया जाता है पार्लियामेंट को कि आने वाले साल में इतना एक्सपेक्टेड है पैसा आना, उसमें से कितना खर्चा हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज वगैरह पे करेंगे, ये रेगुलर एक्सपेंडिचर है, कौन से प्रोजेक्ट्स पे खर्चा करेंगे ये बताना पड़ेगा कंसोलिडेटेड फंड का, समझा यहाँ पे? ठीक है, तो ये कंसोलिडेटेड फंड हम लोगों ने देख लिया था। कंसोलिडेटेड फंड में जो भी पैसा है ये पूरा की पूरा गवर्नमेंट को बिलोंग करता है। उसके बाद हमने कंटिजेंसी फंड देखा था, कंटिजेंसी फंड की बातें करते हैं। कंटिजेंसी फंड में 500 करोड़ होते हैं, इमरजेंसी या अर्जेंट जब होता है तब यूज कर सकते हो, तो ये भी पैसा गवर्नमेंट का है, बट इसे यूज करने के लिए आप प्रेसिडेंट की परमिशन से इसे यूज कर सकते हो, क्योंकि ये इमरजेंसी लगने वाले है, तो आप पार्लियामेंट के मिलने की वेट मत करो, पार्लियामेंट को बुलाने की घाई, देखो पार्लियामेंट को बुलाया भी तो क्या एक दिन में पार्लियामेंट मिलता नहीं है। इसमें के 500 करोड़ रुपए आप प्रेसिडेंट को पूछ के ले सकते हो, जब भी अगली पार्लियामेंट की मीट होगी वहां पे आपको इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट से पूछ के हमने लिए थे, बट अब हमको इसका हिसाब, ये देखो हमने इस चीज के लिए लिए थे, गिव अस द परमिशन, मतलब आप यूज कर चुके हो, आप सिर्फ अप्रूवल ले रहे हो, रेटिफिकेशन जैसा। और अब आएगा पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट पे जो पैसा है वो हमने गवर्नमेंट के पास टेम्पररी रखा हुआ पैसा है, प्रोविडेंट फंड वगैरह, गवर्नमेंट इसका कुछ भी इस्तेमाल करे पार्लियामेंट को कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ गवर्नमेंट इज आंसरेबल, ये मत बोलना कि गवर्नमेंट इज नॉट आंसरेबल, हमारा भी पैसा गवर्नमेंट ने यूज किया तो गवर्नमेंट इज आंसरेबल। ठीक है, ये जो कंसोलिडेटेड फंड आपको दिखाना है, ठीक है, इसमें रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू पेमेंट्स, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल पेमेंट्स, ये सब अलग से दिखाने पड़ेंगे, मैंने आपको दिखा दिया वो सब। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स पे आपको सवाल आ सकते हैं, प्लीज भूलना मत, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स पे सवाल आ सकते हैं। गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम अस, बताओ ये रेवेन्यू है या कैपिटल है, रिसीट है या पेमेंट है? सबसे पहले ये रेवेन्यू है या कैपिटल है, रिसीट है या पेमेंट है? फटाफट, आई वांट द जवाब्स, मुझे जवाब चाहिए, जवाब आप लोगों से, आप लोगों का जवाब नहीं है। अतुल इज सेइंग रेवेन्यू रिसीट, बाकी कौन कौन है लेक्चर में? अतुल इज सेइंग रेवेन्यू रिसीट है सर, ये सो इज मिस्टर अतुल राइट? साक्षी इज ऑल्सो सेइंग रेवेन्यू रिसीट है ये, यस यू, रेवेन्यू प्लस रिसीट, यस इट इज अ रेवेन्यू, क्योंकि टैक्सेस गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, रेवेन्यू टैक्सेस गवर्नमेंट को मिल रहे हैं, और रिसीट है क्योंकि गवर्नमेंट को मिल रहा है, और रेवेन्यू नेचर का है क्योंकि ये रेगुलर इनकम है। यस मिहिर, आप भी बराबर हो। अब सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, तो गवर्नमेंट के लिए ये एक पेमेंट है, और सब्सिडी रेगुलरली दी जाती है, तो ये कैपिटल, सॉरी तो ये भी रेवेन्यू रिसीट है, बट हाँ गवर्नमेंट सब्सिडी का काम कंटिन्यूसली देते रहती है, सब्सिडी देने का काम है गवर्नमेंट का, तो ये भी रेवेन्यू या कैपिटल, सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जाएगा, समझा? ये सब हो गया था हमारा, पब्लिक अकाउंट भी ठीक से देख लिया। अब बजट के कुछ और चीज है, नेक्स्ट वन हम देखेंगे डिमांड फॉर ग्रांट्स। अब अगले कंसेप्ट पे जाते हैं, दैट इज डिमांड फॉर ग्रांट्स। ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ इज द फॉर्म इन विच एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड इंक्लूडेड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and required to be voted upon in the Lok Sabha are submitted in pursuance of Article 113 of the Constitution. मतलब क्या? अगर आप गौर से देखोगे demand for grants, इन्होंने बोला है कि हम कौन? Government. कौन करता है ये काम? Government. Government क्या करती है? Estimate निकालती है expenditure का. Expenditure का क्या निकालती है? Estimate. बच्चों एक बात समझो, हमारी normal life में अगर आप एक businessman हो, please ध्यान दो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, ठीक है, तो आप एक्सपेंडिचर कर दोगे, आप एक्सपेंडिचर कर दोगे और फिर उसका हिसाब करोगे, क्या मैंने उसकी अकाउंटिंग करोगे कि मैंने कहाँ कहाँ खर्चा किया, राइट? आप एक्सपेंडिचर कर दोगे और फिर उसकी अकाउंटिंग करोगे कि मैंने किधर किधर खर्चा किया, यस और नो? गवर्नमेंट का थोड़ा उल्टा चलता है, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट को बिफोर स्पेंडिंग
बिफोर स्पेंडिंग गवर्नमेंट नीड्स टू टेक अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट. बट बिफोर स्पेंडिंग फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, बिफोर स्पेंडिंग फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड में से कुछ भी विड्रॉ करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कंसोलिडेटेड फंड में से कुछ भी विड्रॉ करने के पहले आपको लेनी पड़ेगी पार्लियामेंट की परमिशन, क्योंकि इसमें जो पैसा है, इसमें जो पैसा है बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट. इसमें जो पैसा है दैट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट पे कंट्रोल पार्लियामेंट का होता है. समझ गया यहाँ पे? समझा? तो डिमांड फॉर ग्रांट में आप क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट एस्टिमेट देती है एक्सपेंडिचर का कि कंसोलिडेटेड फंड में से हमें ये सारे खर्चे करने हैं. समझा? कंसोलिडेटेड फंड में से हमें ये सारे खर्चे करने हैं, इसके लिए हम पार्लियामेंट के सामने ये प्रपोजल रख रहे हैं जिसपे वोटिंग होगी लोकसभा में, राज्यसभा इस सब में नहीं पड़ता. समझा? ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. ग्रांट्स के लिए आप डिमांड कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एस्टिमेट कर रही है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को प्रेजेंटेड बिफोर पार्लियामेंट. एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को पार्लियामेंट के सामने रखती है. पार्लियामेंट के सामने रखने के बाद पार्लियामेंट में भी सिर्फ लोकसभा, ओनली लोकसभा के सामने रखा जाएगा. लोकसभा में इस पर वोटिंग होगी. गवर्नमेंट ने बोला हमें एजुकेशन के लिए बच्चों की मिड डे मील, बच्चों की मिड डे मील के लिए 500 करोड़ चाहिए, ये ग्रांट चाहिए हमको. इसको लोकसभा में रखा जाएगा, इसको लोकसभा में रखा जाएगा और उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर होगा डिस्कशन और वोटिंग. अगर वोटिंग में लोकसभा के मेजोरिटी ने यस कर दिया, अगर लोकसभा की मेजोरिटी इसको यस बोल देती है तो गवर्नमेंट को 500 करोड़ का खर्चा मिल जाएगा. ऑल एक्सपेंडिचर्स आर शोन इन डिमांड फॉर ग्रांट्स. यस बेटा, कंसोलिडेटेड फंड से आपको जो भी खर्चा करना है आपको उसका ग्रांट मांगना पड़ता है. द डिमांड फॉर ग्रांट्स मतलब प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्टेट को पैसा देना है, यूनियन टेरिटरी को. तो कंसोलिडेटेड फंड में से जो भी पैसा निकालना है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोकसभा से एक डिमांड करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को लोकसभा से डिमांड करनी पड़ेगी. बट गवर्नमेंट को डरने की जरूरत नहीं है. मैंने आपको कल ही बताया था, ये अगर मेरी पार्लियामेंट है उसमें ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, और लोकसभा में जिस पार्टी की मेजोरिटी है उन्हीं की गवर्नमेंट है. तो फिलहाल लोकसभा में बीजेपी का मेजोरिटी है तो गवर्नमेंट भी बीजेपी की, और जब भी वोटिंग होगा लोकसभा में आधे से ज्यादा लोग भी बीजेपी के. समझा? इसीलिए ग्रांट के लिए परमिशन मिल जाता है. बजट आज तक सारे पास हो गए हैं. समझा? तो डिमांड फॉर ग्रांट. समझा? और ग्रांट किस चीज के लिए चाहिए? कोई भी खर्चा करने के लिए या कोई भी पैसे किसी को देने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को देने हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज को देने हैं, ठीक है, या फिर लोन्स एंड एडवांसेस, किसी को लोन देना है. कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे देती है, किसी को भी लोन दे सकते हैं, दूसरी कंट्रीज को लोन दे सकते हैं हम लोग. समझा? यहाँ पे क्योंकि उनसे भी हम लेते हैं बच्चों. समझा गया? बहुत वियर्ड काम है ये. हमारा देश है ना एक मिडिल क्लास आदमी की तरह बेचारा, ठीक है, ना अमीरों के साथ उठ बैठ सकता है ना गरीबों के साथ. समझा? गरीब भी सुखी होता है, अमीर भी सुखी होता है, वाट मिडिल क्लास की लगती है ऐसा सबको बोलते हुए आप सुनोगे. आपके घर वाले भी शायद बोलेंगे हम मिडिल क्लास है, हमारी वाट लगती है. बट सोचो अब इंडिया ऐसी हालत में है ना, अब इंडिया के आसपास अगर कोई गरीब देश है या कोई भी गरीब देश इंडिया के पास आके बोलता है यार हमारी मदद करो ना, तो इंडिया मना नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया के पास उनसे ज्यादा पैसा है. समझा? बट इंडिया डेवलप कंट्रीज के सामने अभी भी थोड़ा पुअर है. तो हम लेते भी है डेवलप कंट्रीज से और गरीबों में बांट भी देते हैं. समझा? मतलब हम बड़े बड़े कंट्रीज से IMF वगैरह से लोन्स लेते हैं और छोटी छोटी कंट्रीज को उसमें से थोड़ा सा अमाउंट दे देते हैं. समझा? ठीक है, अमीरों को टेंशन नहीं, किसी से मांगना नहीं है, गरीबों को सिर्फ मांगना ही मांगना है. हम परेशान है, एक जगह से लेते हैं दूसरी जगह थोड़ा बहुत दे भी देते हैं. सो वन डिमांड फॉर ग्रांट इज प्रेजेंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट. हाउएवर फॉर लार्ज मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट मोर देन वन डिमांड इज प्रेजेंटेड. ये एक इंपॉर्टेंट चीज समझो. मिसेज निर्मला सीतारामन जी जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, ये हमारे निर्मला सीतारामन जी है जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, ये क्या करेंगे देखो. ये पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, सबसे मेन लोकसभा के सामने बजट रखेंगे, ठीक है. बजट को किस फॉर्मेट में देंगे?
बजट में रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स दिखाए जाएंगे और इन एक्सपेंडिचर्स में देखो इधर क्या दिखा है, रिसीट, रिसीट मतलब एस्टिमेटेड इनकम्स, एस्टिमेटेड इनकम्स कि कहां कहां से पैसा आने वाला है, जहां से भी गवर्नमेंट को पैसा आने वाला है, जहां से भी गवर्नमेंट को पैसा आने वाला है, टैक्सेस के फॉर्म में, बीएसएनएल से या फिर रेलवे से, जहां से भी इनकम आएगी, या शेयर्स बेच के गवर्नमेंट अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेटाइज कर देता है तो अपना शेयर बेच के पैसा आता है, कैपिटल रिसीट। जितनी भी एस्टिमेटेड इनकम है इनकी टोटल आई 1 लाख करोड़, ठीक है। अब इसको फिर वो दिखाएंगे कि हम अगले साल इसमें से क्या क्या खर्चा करेंगे, जितनी भी मिनिस्ट्रीज है हर एक का एक हेड होगा, एजुकेशन पे जो खर्चा करेंगे, ठीक है, इंडस्ट्री पे खर्चा करेंगे, स्मॉल इंडस्ट्री पे खर्चा करेंगे कितना, डिफेंस पे कितना, अब डिफेंस में हो सकता है एयरफोर्स के लिए कितना, आर्मी के लिए कितना, नेवी के लिए कितना, और बॉर्डर, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए अपने पास बीएसएफ एक है, तो एक बात समझो, एजुकेशन के लिए एक ही अमाउंट दे दी कि एजुकेशन के लिए 10,000 करोड़ दे दो, इसमें से हर मिनिस्ट्री के लिए जनरली एक ग्रांट होता है। अब उसमें भी ये दिखाएंगे कि आने वाले साल में क्या क्या स्कीम्स और प्लान्स है टू प्रमोट द एजुकेशन, ठीक है। तो उन्होंने बोला सर इसमें से हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए इतना चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए इतना चाहिए, ठीक है, इसके लिए 6,000 करोड़ चाहिए, इसके लिए 5,000 करोड़ चाहिए, ठीक है, समझा। फिर इंडस्ट्रीज के लिए एक साथ ही बता दिया कि सर इंडस्ट्रीज के लिए हमें 7,000 करोड़ चाहिए, मतलब मैक्सिमम इंडस्ट्रीज, मैक्सिमम मिनिस्ट्रीज के लिए एक ही डिमांड फॉर ग्रांट रहेगी, बट कुछ मिनिस्टर्स अलग अलग प्रेजेंट करेंगे कि हमें इसके लिए कितना चाहिए, इसके लिए कितना, इसके लिए कितना, इसके लिए कितना। अब ये डिमांड फॉर ग्रांट सभी लोकसभा के सामने रखा जाता है, सारी अमाउंट रखी जाती है कि अगले साल कितना कितना किस किस मिनिस्ट्री को खर्चा करना है, इस पे वोटिंग होगा, ये पास हो गया तो अगले पूरे साल में एजुकेशन मिनिस्टर को ये प्रोजेक्ट्स के लिए, इन ये जो प्रोजेक्ट्स आपने सामने रखे हैं, प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स कि आप स्कूल्स कितने चालू करना चाहते हो, बच्चों की हेल्थ पे कितना खर्चा करना चाहते हो, किधर कितना करना चाहते हो, हेलो अभिनव, सब कुछ इसमें करने का, समझा। यहाँ पे तो डिमांड फॉर ग्रांट में देखो क्या क्या किया हमारी निर्मला सीतारमन जी ने, क्या क्या किया वो समझो। अरे मेरे भाई ये ज्यादा फास्ट हो गया, मुझसे भी फास्ट हो गया। हमारी निर्मला सीतारमन जी एक AFS एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगी इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा, उसमें रिसीट्स होंगी, रिसीट्स कहां कहां से आएगी ये दिखा देंगे, एक्सपेंडिचर दिखा देंगे और एक्सपेंडिचर के हेड में हर एक के लिए ग्रांट मांगेंगे कि कौन से किधर गया, कौन से मिनिस्ट्री में कितना खर्चा होने वाला है। फिर आता है अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन का बेसिक मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अप्रोप्रिएशन बिल गिव्स द पावर टू द गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पोस्ट द डिस्कशन ऑन बजट प्रपोजल्स एंड वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस द अप्रोप्रिएशन बिल। It is intended to give authority to the government to withdraw from the consolidated fund the amount so voted for. मतलब आप देखो ये जो अमाउंट है इनका डिमांड फॉर ग्रांट रखा गया, सुनो, इन सब का डिमांड फॉर ग्रांट रखा गया। डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब है हम लोकसभा से परमिशन मांगते हैं कि अगले साल इतना पैसा इस मिनिस्ट्री को मिलना चाहिए। एजुकेशन के लिए हमने जो भी प्रोजेक्ट प्लान किए हैं उनके लिए, प्राइमरी के लिए इतना और हायर एजुकेशन के लिए इतना, डिफेंस के लिए हमने जो जो प्लान किया है उसमें एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इतना। लोकसभा इस पे वोट करेगी, मतलब द अमाउंट हैज बीन ग्रांटेड। लोकसभा ने वोट किया, ठीक है, यह सब ओके है। तो डिमांड फॉर ग्रांट हैज बीन सैंक्शनड। ओके, अब सैंक्शन हो गया मतलब आपको अलाउड है उतना निकालना। अब निकालना है तो अगले साल फिर कंसोलिडेटेड फंड में से जब एक्चुअली आप निकालोगे कितना निकालोगे। अब हेल्थ एंड एजुकेशन मिनिस्टर हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी के प्रोजेक्ट्स के लिए 6,000 करोड़ निकाल सकता है क्योंकि ग्रांट उतना सैंक्शन हुआ है उसको। तो जब वो कंसोलिडेटेड फंड से एक्चुअल विड्रॉवल करेगा, तब वो करते वक्त उन्हें अप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा।
कि हम कंसोलिडेटेड फंड के अमाउंट में से जो भी आपने ग्रांट अलाउ किया है वो फंड अब अलग निकालना चाहते हैं। एजुकेशन के लिए प्राइमरी के लिए 6 करोड़ अलग निकालना चाहते हैं, सेकेंडरी के लिए 5 करोड़ अलग निकालना चाहते हैं, डिफेंस में आर्मी के लिए इतना, एयरफोर्स के लिए इतना, नेवी के लिए इतना, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इतना, डीआरडीओ के लिए इतना, ये सब के लिए फिर अप्रोप्रिएशन बिल। मतलब पहले आप ग्रांट मांगो कि इतने खर्चे होने वाले, डू यू अलाउ, लोकसभा आपको अलाउ कर देगा, तो जितना अलाउ किया है वो निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल बनाया जाएगा एंड अप्रोप्रिएशन बिल के हिसाब से फिर आप जो भी अमाउंट वोटेड फॉर थी उतना आप अप्रोप्रिएट करके कहां से निकाल सकते हो, कहां से निकाल पाओगे डिमांड फॉर ग्रांट्स में, कहां से निकाल पाओगे कंसोलिडेटेड फंड से। तो दिस इज द प्रोसीजर। नेक्स्ट इज फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल। मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। मनी बिल्स मतलब क्या बच्चों, हर एक जो एक्ट या लॉ पास होता है पार्लियामेंट में वो एक तो मनी बिल होगा या नॉन मनी बिल होगा। मनी बिल जो होता है मतलब फाइनेंस, पैसों से रिलेटेड, जनता के पैसे, गवर्नमेंट के पैसे, जैसे टैक्स से रिलेटेड बिल मनी बिल होता है। सर पूरा अमाउंट एक साथ निकाल सकते हैं या थोड़ा थोड़ा निकालना पड़ता है? आई गेस पूरा निकाल सकते हैं वो एक साथ, ये मैंने नहीं देखा, बट मेरे ख्याल से वो साल भर आपको उसी अमाउंट में चलाना है। और एक्चुअली बेटा अमाउंट है ना पूरा एक साथ नहीं निकाल सकते, पूरा एक साथ नहीं निकाल सकते, क्योंकि आप जैसे जैसे उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाओगे, आप पैसे क्यों ले रहे हो, आपने बोल दिया कि सर प्राइमरी एजुकेशन में हमें ये करना है, तो जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट सैंक्शन होते जाएंगे वैसे वैसे आपको पैसे निकालने मिलेंगे, समझा? बट इस पूरे पैसे पे गवर्नमेंट का अधिकार होता है, सो वो कभी भी निकाल सकते हैं। ओके, अ मनी बिल एज डिफाइंड इन द आर्टिकल, तो फाइनेंस बिल एक मनी बिल है। मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा। द प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट फॉर लेवी ऑफ न्यू टैक्सेस, मॉडिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर बियॉन्ड द पीरियड अप्रूव बाय पार्लियामेंट आर सबमिटेड टू पार्लियामेंट थ्रू दिस बिल। इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना पड़ेगा, फाइनेंस बिल में सिर्फ टैक्सेस की बात हो रही है, फाइनेंस बिल में टैक्सेस की बात हो रही है। अगर हमारा गवर्नमेंट कोई नया टैक्स लाना चाहता है इस साल से, लेवी ऑफ न्यू टैक्स नंबर वन, या फिर एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में मॉडिफाई करना चाहता है। सर पिछले साल तक 3 लाख तक के लोगों को कोई इनकम टैक्स नहीं था, अब 5 लाख की लिमिट कर दी है, मॉडिफिकेशन, ये भी फाइनेंस बिल में आएगा। कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर बियॉन्ड द पीरियड अलाउड बाय द पार्लियामेंट। सर पार्लियामेंट ने 8 महीने का टाइम दिया था कि 8 महीने तक आप ये टैक्स लगा सकते हो, हम उससे ज्यादा लगाना चाहते हैं, लगा दो, फाइनेंस बिल में लिख के दे दो, ये बिल पे भी वोटिंग होगा, लोकसभा इसे पास कर देगा। द फाइनेंस बिल इज अकंपनीड बाय अ मेमोरेंडम कंटेनिंग एक्सप्लेनेशंस ऑफ द प्रीवियस प्रोविजंस इंक्लूडेड इन। फाइनेंस बिल दे देंगे कि सर हम ये नया टैक्स लगाना चाहते हैं, ये टैक्सेस में चेंज करना चाहते हैं। यस, फाइनेंस बिल इज रिलेटेड टू टैक्स, तीन ही चीजें बोली इन्होंने, फाइनेंस बिल में तीन ही चीजों की बात करेंगे, टैक्स 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 टैक्स, समझा? यहाँ पे कौन सी तीन चीजें? सर नया टैक्स लगाना है, सर एग्जिस्टिंग टैक्स में चेंजेस लाने हैं, हो सकता है रेट चेंज करना है, हो सकता है कुछ भी चेंज करना है, एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज करना है, या सर कोई टैक्स लगाने को अलाउ किया था गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने हमें कोई टैक्स लगाने के लिए अलाउ किया था 1 साल 2 साल के लिए, वो पीरियड इस साल खत्म हो गया, हम चाहते हैं उससे आगे टैक्स लगाना है, मतलब यू आर लेविंग द टैक्स बियॉन्ड द पीरियड परमिटेड, सो दैट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस थ्रू फाइनेंस बिल। सर्विस टैक्स वैसे ही लगा था फाइनेंस बिल के थ्रू। फाइनेंस बिल इज अकंपनीड बाय अ मेमोरेंडम कंटेनिंग एक्सप्लेनेशंस ऑफ द प्रोविजंस। बिल दे दो, बिल के साथ मेमोरेंडम दे दो, इसमें क्या 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 चेंजेस है, क्या क्या। चलो ऑडिबल, ओके, एम आई अब आ रहा है, सब सही, ओके ऑल ऑफ यू, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्या करें,
लैपटॉप चलता है, सब चलता है, बट वाईफाई बंद हो गया था मेरा। ठीक है, चलो तो जाते हैं फाइनेंस बिल पे। वंस अगेन फाइनेंस बिल याद आया, फाइनेंस बिल इज फॉर टैक्सेस। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्सेस, चेंज इन द एग्जिस्टिंग टैक्सेस और एक्सटेंशन ऑफ अ टैक्स। एक्सटेंशन ऑफ अ टैक्स, एक टैक्स जो लग चुका था, खत्म हो जाना चाहिए था, उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फाइनेंस बिल के साथ एक मेमोरेंडम दिया जाएगा, वो एक्सप्लेन करेगा उसकी प्रोविजंस को। द फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, याद रखना ये। फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में जाएगा, बट राज्यसभा कैन रेकमेंड अमेंडमेंट्स। रेकमेंड, चेंज नहीं। राज्यसभा कैन नॉट डायरेक्टली अमेंड इट, राज्यसभा कैन ओनली गिव अ रेकमेंडेशन। एक बात याद रखना, जिंदगी में ये जो बिल्स होते हैं ना, मनी बिल्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। बाकी के जो बिल्स होते हैं वो आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करो, वहां पास करवाओ, फिर लोकसभा लेके जाओ, वहां पास करवाओ, फिर प्रेसिडेंट के पास लेके जाओ, या लोकसभा में लेके जाओ पास करवाओ, राज्यसभा में लेके जाओ पास करवाओ, फिर प्रेसिडेंट के पास लेके जाओ, चलता है। बाकी सभी बिल्स में चलता है, वो पहले राज्यसभा में आए फिर लोकसभा में जाए, या लोकसभा में आके राज्यसभा में जाए, डजंट मैटर। बट मनी बिल्स सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आएंगे। मनी बिल्स आते हैं लोकसभा में, वहां पास हो जाते हैं, फिर राज्यसभा जाते हैं, राज्यसभा को रिस्पेक्ट दी जाती है कि सर आप बोलो इसमें कुछ रिकमेंडेशंस आपको दे रहे हैं क्या, कुछ अमेंडमेंट्स आपको लगते हैं क्या। राज्यसभा 14 डेज के अंदर बता देता है कि हमें लगता है ये एडजस्टमेंट्स करनी चाहिए। लोकसभा ने बोला ओके थैंक यू, हमको नहीं लगता, हम नहीं करेंगे। मतलब राज्यसभा सिर्फ रेकमेंड कर सकता है, लोकसभा को वो अमेंडमेंट करने हैं नहीं करने हैं जनरली करते हैं, हम इज्जत देते हैं, समझा यहाँ पे। ठीक है, और एक बार ये सब हो गया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा ने अपने अमेंडमेंट्स दे दिए, उसके बाद 75 डेज में वो पास हो जाना चाहिए पार्लियामेंट में, समझा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब देख लिया हम लोगों ने, प्रोसीजर भी समझ गई आपको। ठीक है, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट भी समझ गई आपको। नाउ प्रिपेरेशन ऑफ बजट, थोड़ी बहुत नॉर्मल ज्ञान की बातें कर लेते हैं। इट इज अ एक्सट्रीमली टीडियस लेंथी प्रोसेस। हमारे मिनिस्टर्स नहीं करते ये सब, IAS, IPS, जनरली IAS, IFS ऑफिसर्स करते हैं। IFS ऑफिसर्स, इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज, समझा यहाँ पे। इट बिगिंस विद द बजट डिवीजन इन इशूइंग सर्कुलर टू ऑल मिनिस्ट्रीज, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, ऑटोनॉमस बॉडीज, मतलब गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट बॉडीज, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है, RBI जैसे लोग, गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है, डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट के छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स, ठीक है, डिफेंस, इन सबको हम बोलते हैं कि तुम्हारा अगले साल का एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट दो। सो आई एम द फाइनेंस मिनिस्टर, इफ आई एम द फाइनेंस मिनिस्टर, आई विल सेंड अ सर्क्यूलर टू ऑल द मिनिस्ट्रीज, ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑल द यूनियन टेरिटरीज, ऑल इंडिपेंडेंट बॉडीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफेंस फोर्सेस, एवरीवन, आई विल सेंड अ सर्क्यूलर दैट आने वाले साल में तुम्हारा खर्चे का क्या एस्टिमेट है। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर आपके घर वालों ने आपको पूछा बेटा तेरा अगले साल क्या खर्चा है एक्सपेक्ट, एक अंदाजा बता दो तेरे को कितना खर्चा लगेगा, आपने बोला पापा 10 लाख लग जाएगा, पापा या मम्मी पूछेंगे बेटा 10 लाख कैसे, आप बोलोगे बस ऐसे ही, आपने पूछा कितना लगेगा, मैंने बोल दिया 10 लाख लगेगा, पापा ने बोला, मम्मी ने बोला, क्या हमारा बेटा एक नंबर, यू आर वेरी स्मार्ट, ठीक है, हम बहुत खुश है बेटा, ऐसा मस्त बेटा पैदा किया है, ऐसी मस्त बेटी पैदा किया हमने, ये ले 10 लाख रुपए, जाए ऐश कर, जी ले अपनी जिंदगी। होगा क्या ऐसा कि आपके घर वालों ने 10 लाख का अगर बोलोगे तो क्या उठा के 10 लाख रुपए दे देंगे वो लोग आपको, ले मेरा राजा बेटा 10 लाख लेके चले जा, ले ले यार मुन्ना ले ले, करेंगे घर वाले ऐसा करेंगे? Obviously no, but ये जो बजट डिविजन है इसको मम्मी पापा समझो, इन्होंने सर्कुलर, इन्होंने सारी मिनिस्ट्रीज को, स्टेट गवर्नमेंट सबको सबको सर्कुलर भेजा, तो आपके मम्मी पापा ने आपको पूछा बेटा कितना खर्चा लगेगा, आपने बोला पापा मम्मी सर राजा बेटा को राजा बेटा को भिखारी बेटा बना के भेज देंगे वो, जा बेटा 10 लाख जो देता है उनके घर पे जाके रह जा, हम तो ना दे कि पिटाई हो जाएगी, पिटाई विटाई नहीं होगी, आप बड़े हो गए, तुम घर वाले बोलेंगे बेटा तेरे को 10 लाख चाहिए, आप बोलोगे हाँ जो देता है उसके घर पे जाके रह ले, हमारा दिमाग मत का। बट नाउ प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, अब आपने क्या किया, आपने आपके घर वालों को पूछा, घर वालों ने आपको पूछा बेटा कितने पैसे लगेंगे तुझे, तो आपने सीधा सीधा हिसाब दिया कि पापा देखो या मम्मी देखो
मेरी फीस है 4 लाख रुपए, मेरी हॉस्टल की फीस है 2 लाख रुपए, इन दोनों के अलावा मेरे खाने का खर्चा हो जाएगा साल का 1 लाख रुपए। आप अब्रॉड जा रहे हो रहने के लिए, किधर भी जाओ मेरे को भी फर्क नहीं पड़ता, इससे इतना खर्चा अब्रॉड में होता है, ऐसा नहीं इंडिया में भी हो जाता है। अब आप जब बोल रहे हो ये सब कि सर 6 लाख रुपए हमारी फीस है, 2 लाख रुपए हॉस्टल का खर्चा आएगा, 1 लाख रुपए खाने पीने का खर्चा आएगा और 1 लाख रुपए बुक्स और इसका खर्चा आएगा, खाने पीना उड़ाना, गर्लफ्रेंड को घुमाना, अपनी दूसरे की सबकी गर्लफ्रेंड को घुमाना 1 लाख रुपए, उसको आपने सिर्फ खाना पीना बोल दिया, समझा यहाँ पे। तो ये आपकी फीस, ये आपका हॉस्टल, ये आपका एडहॉक एक्सपेंडिचर, ठीक है। एडहॉक मतलब फालतू का भी नहीं, आपने बोला देखो पापा खाने पीने का इतना रहेगा, रोज का इतना तो साल भर का इतना, और 1 लाख रुपए आपने बोला बुक्स एंड ट्यूशंस के लिए लग जाएंगे, इस तरह से पापा 10 लाख रुपए लगेंगे। क्या आपके पापा आपको 10 लाख रुपए दे देंगे? क्या इस केस में आपको 10 लाख मिलेंगे जब आप एक प्रॉपर हिसाब दे रहे हो? और अगर 10 की जगह आपने बोला इसमें और 2 लाख रुपए ऐड कर दो पापा और चीजों के, आपने हिसाब दिया तो 12 भी मिल जाएंगे। मतलब आप जो ये अमाउंट मांग रहे हो, क्या इसका, अभी मेरी गलती क्या है यार, मैं जब इधर से लिख रहा हूं मैं खुद को इधर करता हूं, लिखता उधर, मुझे नहीं पता कि मैं गड़बड़ करता हूं, मेरे पीछे लिखने का शौक क्यों है मुझे नहीं मालूम, ठीक है गलती से हो रहा है वो, अब नहीं होगा, मैं इस राइट में ही लिखते जाऊंगा। तो ध्यान दो इधर, आप जब ऐसा हिसाब दोगे ना तो ही आपको उतने पैसे मिलेंगे, हाँ या ना? हिसाब दो, घर वाले बोलते बेटा हिसाब दे पैसे लेके जा, हमको तो ऐसे दुश्मनी नहीं है पर हम सिर्फ चाहते हैं कि तू हिसाब दे। तो वैसा ही घर वाले मतलब यहाँ पे मम्मी पापा मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, सबको बोलते भैया कितना खर्चा होने वाला है तुम्हारा अगले साल, तो ये मुंह उठा के कुछ भी नहीं बोल सकते, ये बोलेंगे ये लो सर हमारा हिसाब, हमारा इतना खर्चा होना एक्सपेक्टेड है। अच्छी बात है, अगर उतना खर्चा एक्सपेक्टेड है तो हम लोग आपको उतना बजट में प्रोवाइड कर देंगे, समझा यहाँ पे, ठीक है। एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस आर हेल्ड बिटवीन यूनियन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये एस्टिमेट्स सिर्फ, और तुमसे एस्टिमेट नहीं लिया जाएगा। अब तुमने बोल दिया 6 लाख रुपए फीस है, पापा बोलेंगे अच्छा एक बार कॉलेज में फोन करके पूछते हैं ना कितना फीस है, तुम बोलोगे नहीं नहीं पापा 4 लाख ही है जाने दो, समझा कि नहीं समझा, दैट इज ऑल्सो देयर, तुम बोलोगे नहीं नहीं 4 लाख रुपए जाने दो, ठीक है। तो अब इसके ऊपर अच्छा खासा क्या होगा, इसके ऊपर अच्छा खासा डिस्कशन होगा यूनियन मिनिस्ट्री फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है वो सब मिलकर डिस्कस करके ये फाइनलाइज करेंगे अमाउंट, और फिर उसे डालेंगे फाइनेंशियल अकाउंट्स में, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डालेंगे कि इतना एक्सपेंडिचर एक्सपेक्टेड है हर एक मिनिस्ट्री का। इन द मीन टाइम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स DEA एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विल मीट स्टेक होल्डर्स, फार्मर्स को मिलेंगे, बिजनेसमैन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में आके पैसे इन्वेस्ट करते हैं, इकोनॉमिस्ट, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स टू टेक देयर व्यूज, ठीक है। वंस द प्री बजट मीटिंग्स आर ओवर अ फाइनल कॉल ऑन टैक्स प्रपोजल इज टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, द प्रपोजल्स आर डिस्कस्ड विद द प्राइम मिनिस्टर एंड देन बजट इज प्रिपेयर्ड। इतना याद नहीं रखना है, बस याद रखो सारे मिनिस्टर्स से, फार्मर्स वार्मर्स सबसे पूछा जाता है कि किसको कितना खर्चा एक्सपेक्टेड है, सब डिस्कस किया जाता है, प्रॉपर एस्टिमेट्स निकाले जाते हैं फ्रॉम प्री बजट मीटिंग्स, और ये सारा कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और ये प्राइम मिनिस्टर के सामने रखा जाता है और अमाउंट्स फाइनल की जाती है, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल टास्क। तो क्या क्या करते हैं, बजट प्रेजेंटेशन स्पीच, तो निर्मला सीतारामन जी जो कौन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, वो पहले AFS पढ़ के सुनाएंगे, फिर बोलेंगे देखो AFS में वो बताएंगे हमें रिसीट्स और एक्सपेंडिचर कौन से कितने एक्सपेक्टेड है, कंसोलिडेटेड फंड से कितना, कंटिंजेंसी फंड से, तो कुछ कंटिंजेंसी फंड का बजट में नहीं दोगे कि हम आने वाले साल में इस इमरजेंसी के वक्त 200 करोड़ विड्रॉ करेंगे, सर आपको कैसे पता है आने वाले साल में इमरजेंसी कौन सी आने वाली, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, समझा यहाँ पे। पब्लिक अकाउंट, इन सब में रिसीट्स कौन से, एक्सपेंडिचर्स कितने, उसमें रेवेन्यू कौन सा, कैपिटल कौन सा, रेवेन्यू कौन सा, कैपिटल कौन सा, ये सब वो पढ़ेंगे। फिर जो भी एक्सपेंडिचर्स है उसका डिमांड फॉर ग्रांट रखेंगे, डिमांड फॉर ग्रांट पास हो जाएगा उसका अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल सामने रखेंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा की बातें भी बताई जाएगी, हाँ बहुत हार्डवर्क है, मिनिस्टर्स टाइम पास नहीं करते, जो ऊपर के लेवल पे होते हैं ना बच्चों टाइम पास नहीं करते, इनके पीछे बहुत काम होता है, वो पैसे खाते हैं नहीं खाते हैं उनको नहीं पता, बट बेटा इतना आसान काम नहीं होता है मिनिस्टर्स का, ठीक है वो पढ़ना बजट ही इतना मुश्किल काम है, बट एक बात समझो सारे मिनिस्टर्स अकेले नहीं करते, ये IAS IPS ऑफिसर्स मिलके भी इनकी हेल्प करते हैं, मिनिस्टर्स भी काम करते हैं, नो डाउट ये काम मजाक नहीं होता है, बहुत बिजी होते हैं ये लोग, मिस्टर मोदी हमारे इतने बिजी क्यों है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफेंस मिनिस्टर्स बिजी क्यों होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स को कंटिन्यूअसली घूमना पड़ता है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क,
देश का मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की इलिटरेसी को खत्म करने के लिए, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, इन सब के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, 6 महीने की, 1 साल की फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट कहाँ से इनकम जनरेट करके कहाँ स्पेंड करने की सोच रहा है, स्ट्रैटेजी। एक्सपेंडिचर प्रोफाइल कि ये जो खर्चा हम लोग करने वाले हैं, ये कौन से एरियाज में ज्यादा खर्चा करने का सोचा है, कौन से एरियाज का खर्चा इस बार कम करने का सोचा है। एक्सपेंडिचर का बजट और रिसीट्स का बजट, इतना सब होता है बजट स्पीच में। अब ये सब मैं वापस ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, एक्सपेंडिचर बजट। रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम। तो आपको एक इनकम का, देखो आपने ऑलरेडी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ दे दिया, रेवेन्यू कितना, एक्सपेंडिचर कितना, उसमें रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट्स कितने, कैपिटल रिसीट्स कितने, सॉरी रिसीट्स कितने, एक्सपेंडिचर कितने, रेवेन्यू रिसीट कितने, कैपिटल, ये सब दे दिया। आप टोटल रेवेन्यू एक साथ दे दो, टोटल एक्सपेंडिचर एक साथ दे दो, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर एक साथ दे दो, समझा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट मतलब सारी रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर का अलग, रेवेन्यू का अलग। एक रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर का बजट दे दो। रेवेन्यू रिसीट्स रेगुलर रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेगुलर एक्सपेंडिचर। सर सैलरीज कितनी जाने वाली है, परक्विजिट्स कितने जाएंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। रेवेन्यू एक्सपेंस इज मोर देन दैट ऑफ रिसीट्स, देयर इज अ बजट डेफिसिट। रेवेन्यू बजट में गवर्नमेंट क्या करती है, रेवेन्यू बजट में गवर्नमेंट दिखाती है हमारी रेवेन्यू रिसीट्स कितनी होगी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे। अगर ऐसा हो, रेवेन्यू रिसीट टैक्सेस से कितना पैसा आया, रेलवे से कितना पैसा आया, ये सब मिलके आया 1.5 लाख करोड़ और खर्चा हो रहा है 1.7 लाख करोड़, देयर इज अ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है सर हमारी अगले साल एस्टिमेटेड इनकम्स कम है और हमारे अगले साल एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस ज्यादा है। कितने ज्यादा है सर, 20,000 करोड़ से ज्यादा है। और अगर ऐसा हुआ ना तो समझ जाओ अगले साल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। क्यों, एक बात समझो, गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड है उनको इतना पैसा मिलेगा। आप गवर्नमेंट हो, आपको मिलने वाला है 1.5 लाख, आपको खर्चा करना है 1,70,000, आप सैलरीज देने वाले हो एम्प्लॉइज की, आप जो भी खर्चा करने वाले हो सैलरीज परक्विजिट्स जो भी गवर्नमेंट के प्लेसेस है उनकी अपकीप रेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल गवर्नमेंट ये सब खर्चा करने वाला है, मतलब गवर्नमेंट इतना स्पेंड करेगा। अब एक बात समझो, गवर्नमेंट का हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है गवर्नमेंट की बैंकर कौन होती है, गवर्नमेंट की बैंकर होती है आरबीआई। तो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा इतने हुए और गवर्नमेंट ने पेमेंट इतने कर दिए, तो इन शॉर्ट आरबीआई ने गवर्नमेंट के अकाउंट में आए 1.5 लाख, बट देते वक्त आरबीआई ने दे दिया 1,70,000, मतलब ये जो 20 करोड़ है ये सप्लाई किया है, मनी सप्लाई गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ आरबीआई ने ये 20,000 करोड़ छाप के बांटे। मतलब जब भी हमारा रेवेन्यू डेफिसिट होगा आरबीआई ये पैसे प्रिंट करके मार्केट में डाल रही है, तो इतना पैसा मार्केट में एक्स्ट्रा आ गया और एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी विल लीड टू इन्फ्लेशन। समझा कि नहीं, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, समझा यहाँ पे। तो रेवेन्यू डेफिसिट कब बोला जाएगा, एक्सपेंस इज मोर, अगर एक्सपेंस इज मोर then the revenue receipt, it is called as revenue deficit. उधर लिखना है लिख दो, इतना ही important है, and this is not a good situation. Revenue expenditure मतलब क्या, normal running of government department, salaries etc etc etc, various services, interest, government ने loan लिया होगा उस पर interest, interest एक revenue expenditure है, हर साल pay करना पड़ता है, government subsidies pay कर रही है, ये सब revenue expenditure है। तो क्या क्या आएगा इसमें, नॉर्मल रनिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, इंटरेस्ट, सैलरीज, सैलरीज आ गई नॉर्मल रनिंग एक्सपेंसेस में ही, सब्सिडीज, ये सब है गवर्नमेंट की, क्या ये सब है गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू रिसीट्स में टैक्स और नॉन टैक्स, रेवेन्यू रिसीट को 2 पार्ट में डिवाइड करके दिखाया जाएगा, टैक्स से कितना रेवेन्यू मिला गवर्नमेंट को, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू सर रेलवे से इनकम आई, बीएसएनएल से इनकम आई, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू है। सर पार्किंग चार्जेस, मतलब गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया किसी को, मेरे को बोला ये पार्किंग तू चला, मेरे को बोला ये तू चला, हमारी रेंट लैंड रेंट पे ले ले, गवर्नमेंट अपनी लैंड भी रेंट पे देता है,
समझा, दैट इज नॉन टैक्स रेवेन्यू, हाँ, जीएसटी, इनकम टैक्स, एक्साइज, वेल्थ टैक्स, पेट्रोल का टैक्स, ये सब आएगा टैक्स रेवेन्यू में। तो रेवेन्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, रेवेन्यू रिसीट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू मतलब टैक्सेस, इसमें आते हैं इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज पे लगने वाला टैक्स, एक्साइज, कस्टम्स, कस्टम्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाला टैक्स और अदर ड्यूटीज एंड गवर्नमेंट लेवीज। समझाया पे सर, उल्टा हुआ तो रिसीट्स आर मोर देन एक्सपेंडिचर हुआ तो इट इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू सरप्लस, इट इज नॉट कॉल्ड एज अ प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू सरप्लस। यस बेटा, रोड टैक्स वगैरह सब कुछ, इट इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू सरप्लस। आई होप यहां तक समझ गया तुम लोगों को। इन नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, फीस मिलती है, बहुत कुछ मिलता है गवर्नमेंट को, ये नॉन टैक्स रिसीट्स है। आई होप समझा है यहां तक। सो लेट्स मूव टू कैपिटल बजट। कैपिटल बजट बेटा, कैपिटल बजट में कैपिटल इनकम और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आती है। यस, इट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू सरप्लस, परफेक्ट। द कैपिटल बजट पार्ट ऑफ द यूनियन बजट हैज अकाउंट फॉर कैपिटल पेमेंट एंड रिसीट्स। बेटा कैपिटल पेमेंट मतलब अगर गवर्नमेंट शेयर्स खरीद रही है, कैपिटल पेमेंट। गवर्नमेंट असेट्स बाय कर रही है, कैपिटल पेमेंट। गवर्नमेंट नई रेलवेज पे खर्चा कर रही है, मेट्रोज पे खर्चा कर रही है, कैपिटल पेमेंट। इससे गवर्नमेंट की एक फिक्स असेट बनेगी, समझा। जब भी आप कैपिटल पेमेंट करते हो एक फिक्स असेट बनती है, समझा यहाँ पे, ठीक है। कैपिटल पेमेंट या गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म लोन, सॉरी लॉन्ग टर्म लोन दे रही है, कैपिटल पेमेंट, समझा। सो कैपिटल रिसीट्स में क्या आएगा ये समझो। कैपिटल पेमेंट्स तो बात में नहीं, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट जनरली असेट बेच के आता है, लॉन्ग टर्म की चीजें बेच के आती है। तो जनरली गवर्नमेंट जब लोन फॉर फ्रॉम पब्लिक लेती है, गवर्नमेंट पब्लिक से लोन ले रही है या आरबीआई से लोन ले रही है, इसे हम कैपिटल रिसीट बोलेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट अपने शेयर्स वगैरह बेच रही है तो ये भी कैपिटल रिसीट्स में जाएंगे। कैपिटल रिसीट्स आर लोन्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, जिसे मार्केट लोन बोला जाता है, डोंट फॉरगेट दैट। पब्लिक से मतलब जनरल पब्लिक से लोन लिया, मतलब मार्केट से पैसा उठाया, इसीलिए इसे मार्केट लोन बोलेंगे। बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर पार्टीज थ्रू सेल ऑफ ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स बोला जाता है इसको। टी बिल्स मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स। इसका मीनिंग बताऊंगा, रुक जाओ, ट्रेजरी बिल्स क्या होता है बताऊंगा। लोन फॉरेन बॉडीज से मिला, फॉरेन गवर्नमेंट से मिला, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया था उसकी रिकवरी हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया था, कैपिटल पेमेंट, उसकी रिकवरी कैपिटल रिसीट। समझा यहां पे ऑल ऑफ यू, समझा। नाउ व्हाट इज टी बिल, टी बिल वाला कंसेप्ट समझो। फिलहाल बच्चों गवर्नमेंट बीजेपी की है, बीजेपी ने बॉन्ड्स इशू किए, बीजेपी ने बॉन्ड्स इशू किए, तो कल्पक सर ने बॉन्ड्स बाय कर लिए। कल्पक सर ने बाय किए तो कल्पक सर ने पे किया 1 लाख रुपीस और कल्पक सर को मिल गए बॉन्ड्स। यहां तक समझा, किसको दिया, बीजेपी को दिया, ठीक है। बॉन्ड था 10 साल वाला या 5 साल वाला, 5 ईयर्स का बॉन्ड था, ओके। इन 5 ईयर्स में ऐसा हुआ कि बीजेपी की सरकार चेंज होके, बीजेपी की सरकार चेंज होके कांग्रेस की सरकार आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने देते वक्त बीजेपी को नहीं दिया था, मैंने देते वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था, ये मत भूलना। मैंने देते वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था, उसमें रूलिंग पार्टी कौन है ये मेरा लुकआउट नहीं है। बीजेपी रूलिंग पार्टी है, मैंने दे दिया उनको। रेस तो बीजेपी ने ही की है, बट मैंने देते वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए। अब आ गई कांग्रेस की गवर्नमेंट, ठीक है। मेरे 5 साल हो गए, मैं गवर्नमेंट के पैसे मांगने गया, गवर्नमेंट ने बोला किसको दिया था, बीजेपी गवर्नमेंट को, जब बीजेपी से मांग, किससे मांगू मैं, ऐसा होना चाहिए क्या? कोई करता नहीं है, कांग्रेस भी ऐसा नहीं करता, बीजेपी भी ऐसा नहीं करता, बट फिर भी क्या ऐसा होना चाहिए? क्या मुझे एक अश्योरिटी होनी चाहिए कि कोई भी सरकार रहो गवर्नमेंट मुझे मेरे पैसे दे देगा? जब दिया था मैंने तब गवर्नमेंट बीजेपी की थी, जब ले रहा हूं तब कांग्रेस की है। तो इसीलिए याद रखो, ये जो बॉन्ड्स होते हैं या फिर जो भी मैंने गवर्नमेंट को पैसा दिया है, इन्हें टी बिल्स बोला जाता है। टी बिल्स का मतलब ये जो बॉन्ड्स है, ठीक है, इनका डायरेक्ट चार्ज है ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट पे। ये ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट पे चार्ज है इनका। सर ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का पैसा जिधर जमा होता है ना, मैं ना बीजेपी से पैसे मांग रहा हूं ना मैं कांग्रेस से पैसे मांग रहा हूं, ये पैसे जब मैंने दिए थे गवर्नमेंट की ट्रेजरी में गए थे, पैसे वापस भी ट्रेजरी से चाहिए। ट्रेजरी जब बीजेपी गवर्नमेंट में थी तो ट्रेजरी बीजेपी के कंट्रोल में थी, बट डायरेक्ट कंट्रोल में होती नहीं है, फिर कांग्रेस की आई। बट मेरा बिल जो है, ये ट्रेजरी बिल जो है, इसका डायरेक्ट चार्ज ट्रेजरी के ऊपर है, समझा। यहाँ पे डायरेक्ट चार्ज ट्रेजरी के ऊपर है, इसीलिए इनको टी बिल्स बोला जाता है। कि आप चिंता मत करो,
गवर्नमेंट को पैसे दिए ना, गवर्नमेंट दे देगी वापस, गवर्नमेंट को पूछने की भी जरूरत नहीं है, अच्छा मांगने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट ट्रेजरी से आपको मिल जाएंगे, इसीलिए इन्हें टी बिल्स बोला जाता है या ट्रेजरी बिल्स। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, यस और नो? नाउ वी विल गो टू, सॉरी, कैपिटल रिसीट्स हो गई, जो भी लॉन्ग टर्म पेमेंट मिला है, लोन मिला है, मार्केट से लोन मिला है, आरबीआई से लोन मिला है, हमने दिया हुआ लोन वापस मिला है, ऑल आर कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल पेमेंट्स इंक्लूड एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म असेट्स को बिल्ड करने के लिए जो किया है, मतलब लॉन्ग टर्म असेट्स मतलब लैंड खरीदा गवर्नमेंट ने, बिल्डिंगें बनाई, मशीनरी बनाई, रेलवेज बनाई, ऑल दैट आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा एक्सपेंडिचर बजट, एक्सपेंडिचर बजट जो है, ठीक है, रिफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, इट शोज द कैपिटल एंड रेवेन्यू डिसबर्समेंट्स, मतलब एक्सपेंडिचर्स टू वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, प्रेजेंटेड अंडर प्लान एंड नॉन प्लान, मतलब इसमें यह लिखा जाएगा कि कौन से मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया गया, प्लैंड एक्सपेंडिचर इसमें से कितना था, प्लैंड एक्सपेंडिचर जिसकी तैयारी आपने बजट के पहले से करके रखी थी, जिसके लिए आपने पैसे मांगे थे। जैसे आपका एग्जांपल हो, आपने बोला था पापा 6 लाख की फीस लगेगी, 2 लाख का हॉस्टल का खर्चा लगेगा, प्लैंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, आप चले गए रहने के लिए वहां पे और ऑल ऑफ अ सडन आपकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से 50,000 का मेडिकल का खर्चा करना पड़ा आपका, अनप्लैंड एक्सपेंडिचर। पापा क्या बोलेंगे, नहीं नहीं तूने जितना मांगा था उतना ही देंगे, खाना छोड़ दे, 1-2 लाख रुपए तेरे को हॉस्टल को लग रहे थे ना, एक काम कर उसमें से 50,000 का, ऐसा थोड़ी होता है। प्लैंड एक्सपेंडिचर के साथ साथ अनप्लैंड एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ हुआ, ये एक्सपेंडिचर बजट में दिखाया जाएगा। बजट प्रोवाइड्स एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंड, देखो गवर्नमेंट को इनकम कहां से आई ना, उसका इतना लेना देना नहीं हमको, हमें मेन है कि गवर्नमेंट ने इसको खर्चा किधर किया, कौन से मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया। सो डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर बजट, पूरा डिमांड फॉर ग्रांट्स इधर दिखाया जाएगा। डिमांड फॉर ग्रांट्स इज फॉर प्लैंड एक्सपेंडिचर, हम गवर्नमेंट से मांगते हैं कि सर अगले साल हमारे एजुकेशन पे इतना खर्चा एक्सपेक्टेड है दे दो, उसके अलावा अनप्लैंड एक्सपेंडिचर हुआ तो यहां डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट है यार, देश चला रही है, हम छोटा सा छोटा घर चलाते तो अनप्लैंड एक्सपेंडिचर इतने हो जाते हैं, समझा यहां पे? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड टिल हियर, ठीक है, समझा? तो अब मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट हम करते हैं कल, 1-2 मिनट के अंदर ही हम करंट अफेयर्स का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, थोड़ा छोटा लेंगे आज करंट अफेयर्स का लेक्चर, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इकोनॉमिक्स में यही रुकते हैं, वैसे मैंने 15 मिनट लेट स्टार्ट किया था तो 15 मिनट लेट छोड़ भी रहा हूँ, बट करंट अफेयर्स आपको 8:30 के आसपास छोड़ दूंगा मैं, वैसे ही खत्म हो जाना, बट मेरे को नहीं करना आज, ये कल हम इसको भी खत्म कर देंगे। चलो, सी यू इन 2 मिनट्स, बाय बाय।